आरा शहर के एनआईटी स्थित वर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में शनिवार के दिन दीप प्रज्वलन, शपथ ग्रहण समारोह व विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरा सदर अस्पताल के एएनएम स्कूल की प्रधानाचार्य ममता भारती, वर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर स्मिता सिंह, चेयरमैन डीके सिंह, प्रिंसिपल साधना कुमारी एवं सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सम्मिलित हुए, जिसमें सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया गया और सभी ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। बच्चों के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया कि वे नर्सिंग के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देंगे। साथ ही पास आउट छात्र छात्राओं को उपहार देकर विदाई भी दी गई। वर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मान्यता प्राप्त और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है। यहाँ एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। संस्थान का प्रधान कार्यालय अगम कुआं पटना में है। संस्थान का प्रयास अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित एवं सफल बनाना है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नए छात्र छात्राओं में काफी उत्साह व उमंग देखने को मिला। वहीं पास आउट छात्रों के विदाई समारोह में आंखें नम भी हुई। फ्रेशर्स ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की, जिसकी उपस्थित लोगों ने सराहना भी की। वहीं वर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज अनाईटारा के चेयरमैन डीके सिंह व डायरेक्टर स्मिता सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को कई जगहों पर कैंपस सिलेक्शन मिलता है, जिसमें छात्र छात्राएं बेहतर करते हैं और आगे भी यह अनवरत जारी रहेगा। आज हमारे वर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कार्यक्रम में आपका दीप प्रज्वलित किया गया, बच्चों के विदाई समारोह की योजना रखी गई है। हमारे यहाँ से अभी दो दो बैच का विदाई समारोह होना है, बीएससी नर्सिंग 19 से 23 बैच जिनका विदाई समारोह है, और जीएनएम के स्टूडेंट उनका भी एक बैच 19 से 22 है ना, वो बैच का आज विदाई समारोह है, जिसमें कि बहुत सारे मुख्य अतिथि भी हम लोग बुलाए हैं। जैसे सदर से वहाँ के सीएसआर आ रहे हैं, डीएसआर आ रहे हैं, सिविल सर्जन सर आ रहे हैं, उनकी डीवीसी डीडीसी सर आ रहे हैं, और हमारे जो विदाई समारोह जो बच्चे के लिए हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं, उनके भविष्य के उज्जवल कामनाओं करने के लिए हम लोग मुख्य अतिथि को आज बुलाए हैं। ये वर्मा कॉलेज में आप लोग कितने दिनों से बच्चों को वर्मा कॉलेज आप लोगों ने डिजाइन किया है? वर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग 2018 से चल रहा है ना, जिसमें की बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बच्चों का नामकरण किया गया है। उनका अभी कोर्स कंप्लीट हो गया है, जिसके लिए ही हम लोग जो आज विदाई समारोह का कार्यक्रम रखे हैं, ताकि उनके आने वाले भविष्य में हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन हो, है ना, और उन बच्चों का भी भविष्य जो है वो रोशन हो। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग फुल क्लास है, हॉस्पिटल ड्यूटी है, और क्लास मतलब कॉलेज में ही लैब का हम लोग सारा प्रबंध किए हुए हैं, और उनको अपने जितने उनको ट्रेनिंग के लिए शिक्षा देना चाहिए, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपने शिक्षक के द्वारा उनको उतना शिक्षित किया जाए, ताकि आने वाले समय पे वो भी उस तरीके से काम करे। उनका भविष्य को हम लोग उज्ज्वल करने के लिए इतना कॉलेज में इतना मेहनत कर रहे हैं, ताकि उनका कल को प्लेसमेंट करने के लिए हम लोग पटना से टीम बुलाते हैं। जैसे कि जीएनएम वाले बच्चों को लिए के लिए पारस हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल है, और बिग हॉस्पिटल से वहाँ की टीम को हम लोग बुलाते हैं, और बुलाने के बाद जो भी बच्चे का परफॉर्मेंस होता है वो उनके बेसिस पे उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन के लिए भेजते हैं। और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट के लिए दो ऑप्शन है ना, मतलब हॉस्पिटल भी जा सकते हैं और वो कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे वो इंटरेस्टेड है पढ़ाने के लिए, उनके लिए भी हम लोग पटना कॉलेज है, उसके बाद में गौतम कॉलेज है ना, वहाँ से भी हम लोग वहाँ की प्रिंसिपल मैम को बुलाते हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए। अगर उनको लगता है कि ठीक है, यहाँ के बच्चे हमारे कॉलेज जा करके कुछ अच्छे बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, तो वो सभी लोग वहाँ पे लेके जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कैंपस सिलेक्शन का भी उनको ऑप्शन देते हैं। न्यू बैच वगैरह आप लोग स्टार्ट जी न्यू बैच अभी 2023 है ना, ऐसे हमारा सेशन जो है अक्टूबर से स्टार्ट होता है, तो अक्टूबर से सेशन चलता है नेक्स्ट अक्टूबर तक, तो हर एक साल स्टूडेंट जो है वो आते ही रहते हैं। वर्मा फाउंडेशन एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट एक संस्था है
जिसके माध्यम से वर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग संचालित होता है। मैं अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ के बच्चे जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग के लमसम सारे कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें पास आउट 3 बैच हमारा निकल चुका है। 2018 से हमारा संस्थान चल रही है और बच्चा जो पास आउट है, जैसे मैडम ने अभी बताई कि पारस हॉस्पिटल, मेदांता और अन्य हॉस्पिटल में हम लोग हायर करके वहाँ प्लेसमेंट देना और बच्चे को, क्योंकि बिहार में एजुकेशन बहुत कम रहने के कारण हमारे आज के डेट में देखिए बाहर में लोग जाके मजदूरी करते हैं और बहुत सारे शिक्षित नहीं हो पाते हैं। तो हम एक आरा में एक पहला कॉलेज है वर्मा कॉलेज, जो कि ये स्थापना हुआ 2018 में और नर्सिंग के क्षेत्र में, जबकि नर्सिंग के क्षेत्र में आरा में बहुत सारे कम लोग जानते थे कि नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग के बारे में क्या जानना चाहिए, कैसा लोग नर्सिंग के बारे में लोग घृणा करते थे। आज के डेट में हम लोग जब शिक्षित करते हैं तो बढ़िया बढ़िया घर के बच्चे बच्चियाँ, गरीब तत्व के जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपको सत निश्चय योजना में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो आती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार के द्वारा जो लागू किया जाता है, उसके माध्यम से बच्चा गरीब तत्व के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे क्वालिफाई करते हैं, उनको बेरोजगारी न रह के 15,000-20,000 के नौकरी मिलता है, प्लेसमेंट मिलता है, अच्छा सरकारी जॉब में जब जाते हैं तो अच्छा सैलरी मिलता है, अच्छे करते हैं। तो एक गरीब को, बच्चे को एक अच्छा लाइन अप करके और हमारी संस्थान गरीब तत्व के जितने भी है उठाने के काम करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के काम करती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। Before God and in the presence of this assembly, to pass my life in purity and to practice my profession faithfully, I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administered any harmful drugs. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all my personal matters to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty will I endeavor to add the physician in his work and devote myself to welfare of those committed to my care. Down your hand everyone and thank you so much. स्वागतम आपका, आपकी एक नजर कर गई